आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग बिंजो ऐप को लॉग आउट कैसे करेंगे। जी हां, आप लोग के पास यहां पे मल्टीपल बिंजो का अकाउंट है, आप लोग एक नंबर को लॉग आउट करके दूसरा नंबर को लॉगिन करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग के पास एक दिक्कत आता होगा कि आप लोग को बिंजो में लॉगिन करने वाला कोई लॉग आउट करने वाला कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता होगा। आप लोग हो चुके हैं परेशान क्योंकि लॉग आउट वाला बिंजो में कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो मैं आप लोग को वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोग को एक बात बोलना चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो में आए हैं तो आप लोग का 100% प्रॉब्लम का सलूशन होगा। इसके लिए आप लोग को बिल्कुल भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को 100% बताऊँगा कि आप लोग अपना बिंजो ऐप को किस प्रकार से लॉग आउट करेंगे। और मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा, आप लोग के पास मल्टीपल अकाउंट है तो आप लोग बिल्कुल आसानी से आप लोग कोई और अकाउंट को भी लॉगिन करेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे लॉग आउट करने के लिए आप लोग को लॉग आउट वाला ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा? आप लोग हो चुके हैं परेशान क्योंकि आप लोग को कहीं पर भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है, और आप लोग को यहाँ पर ऑप्शन आप लोग को खोजना है, जिसके लिए आप लोग हैं परेशान। तो आप लोग यहाँ पे आ चुके हैं बहुत सारे ऑप्शन में, बहुत सारे जगह पे, लेकिन आप लोग को यहाँ पे लॉग आउट वाला ऑप्शन कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो फिर आप लोग सोच रहे हैं कि अब मैं यहाँ पे बिंजो को किस प्रकार लॉग आउट करूँगा, और बिंजो को लॉग आउट करने के बाद मुझे यहाँ पे किस प्रकार से मैं दोबारा कोई भी अकाउंट ओपन करूँगा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो को अगर आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे करना क्या है कि बिंजो एप्लीकेशन, जैसे कि मैंने यहाँ पे बिंजो एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है आप लोगों के आँखों के सामने, तो सबसे पहले आप लोग को बिंजो एप्लीकेशन में बैक चले आना है। जैसे कि मैंने आप लोगों के सामने बिंजो एप्लीकेशन में बैक आ चुका है और मेरे पास यहाँ पे आप लोगों को बिंजो ऐप देखने को मिल रहा होगा, जो कि आप लोग देखेंगे तो मेरा यहाँ पे अकाउंट लॉगिन है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। सिंपली आप लोगों को क्या करना है, बिंजो ऐप को आप लोग को यहाँ पे दाब के रखना है। जैसे आप लोग यहाँ पे दाब के रखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को ऐप इन्फो का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे देखिए ऐप को ऐप इन्फो दिखेगा, सारे मोबाइल में दिखेगा। सिंपली आप लोग को ऐप इन्फो वाला ऑप्शन में जाना है। जैसे आप लोग यहाँ पे ऐप इन्फो में जाएंगे, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसका नाम आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। आप लोग को यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जिसका नाम है स्टोरेज यूजर का। सिंपली आप लोग को यहाँ पे स्टोरेज आप लोग को यहाँ पे यूजर वाले ऑप्शन में जाना है। स्टोरेज आप लोग को यहाँ पे यूजर वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा क्लियर डाटा का। सिंपली आप लोग को यहाँ पे क्लियर डाटा आप लोग को यहाँ पे कर देना, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया। और सिंपली आपको यहाँ पे अब बैक चले आना है। बैक आने के बाद अब आप लोग को यहाँ पे दोबारा से फिर से बिंजो को ओपन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे बिंजो को ओपन करता हूँ तो मेरा यहाँ पे जो कि है अकाउंट लॉग आउट हो चुका है, मेरा जो कि है अकाउंट लॉग इन नहीं होगा। अब मेरा यहाँ पे न्यू से अब बोल रहा है यहाँ पे लैंग्वेज को चूज करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि आप लोग किस कितना आसानी से आप लोग यहाँ पे अपना अकाउंट को लॉग आउट कर सकते हैं बिंजो ऐप को। वीडियो आप लोग को यूजफुल, वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर। चलिए इस वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।